14 जून को जो इतना बड़ा कदम सुशांत सिंह राजपूत ने उठाया, उससे एक बड़ा सदमा सारा अली खान को लगा है। सुशांत के निधन के बाद सारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालती है, लेकिन सैफ अली खान अपने इंटरव्यू के जरिए बताते हैं कि मेरी बेटी को एक बड़ा झटका इन सब से लगा है। आपको बता दें, बेहद करीब थे सुशांत सिंह राजपूत सारा अली खान के, और वो इसलिए क्योंकि सारा ने बॉलीवुड की दुनिया में अपना डेब्यू सुशांत के अपोजिट फिल्म केदारनाथ से ही किया था। केदारनाथ के कई प्रमोशनल इवेंट्स के वीडियो अब तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन सभी वीडियोस में सारा लगातार सुशांत की तारीफ कर रही हैं। इन सभी वीडियोस में सारा लगातार कह रही हैं कि किस तरह से यहां सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें हमेशा से सिखाया काम करना, केदारनाथ के सेट पर उनकी मदद की। ऐसी परिस्थितियों के बीच में अब सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत के मन मुटाव को लेकर एक खबर आ गई है। साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म केदारनाथ को लेकर अभिषेक कपूर ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, अभिषेक कपूर ने ही साल 2013 में सुशांत को फिल्म काईपोचे के जरिए लॉन्च किया था। अब एक बातचीत के दौरान अभिषेक ने कहा, जब फिल्म में पिट्ठू बने सुशांत को स्क्रिप्ट की मांग के अनुसार सारा को अपनी पीठ पर उठाना था, डायरेक्टर द्वारा रीटेक कहने पर भी सुशांत ने कभी मना नहीं किया। अभिषेक कपूर कहते हैं, केदारनाथ की सक्सेस के लिए सारा क्रेडिट सारा अली खान को मिल गया, सुशांत को किसी ने पूछा तक नहीं, इसलिए सुशांत काफी परेशान थे। सुशांत ने मुझसे तक बात करनी बंद कर दी, वो कहीं खो से गए। मैंने लगातार उसे मैसेजेस किए। जब फिल्म रिलीज हुई, फिल्म अच्छी चली, आखिरी बार मैंने उसे मैसेज किया, ब्रो मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की, मुझे नहीं पता तुम परेशान हो, बिजी हो या क्या हो, लेकिन मुझे जल्दी फोन करो, हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, अगर हम इसे सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये मैसेज मैंने जनवरी में किया। सुशांत ने इस मैसेज का रिप्लाई मुझे नहीं किया। उसके बाद से मुझे सुशांत की कोई खबर नहीं मिली, और जब खबर मिली तो ये कि सुशांत हमारे बीच नहीं है। अभिषेक कपूर के इस बयान से पता चलता है कि सारा अली खान को सारा क्रेडिट केदारनाथ की सक्सेस का जो मिल गया, कहीं ना कहीं इससे भी सुशांत सिंह राजपूत जरा खफा थे। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।